हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साबू सिंह चौहान और मैं लेकर आया हूं कोरल ड्रॉ के वीडियो ट्यूटोरियल्स। यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरे से जुड़े रहेंगे और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा या जो भी वीडियो अपडेट करूँगा मैं कुछ भी कोरल ड्रॉ के बारे में, वो आप तक पहुँचते रहेंगे और आप कोरल ड्रॉ में अपडेट होते रहेंगे और आप कोरल ड्रॉ सीख सकेंगे। तो मैं कोरल ड्रॉ में अभी तक आपको बता दिया था रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल की पूरी प्रॉपर्टीज बता दिया था। तो उसके बाद मैं आता दोस्तों यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आता है एक आउटलाइन पेन, ये टूल है, उसमें यहाँ से हम आउटलाइंस वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर आउटलाइन नहीं चाहिए मेरे को तो नो आउटलाइन कर देना। यदि हेयर लाइन चाहिए तो अभी ये मेरी हेयर लाइन है तो जैसा हेयर लाइन कर लिया तो ये यहाँ पर हेयर लाइन आ जाती। उसके बाद में उसमें ये जैसा जैसे आउटलाइन चाहिए वैसे वैसे विड्थ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, नहीं फिर यहाँ से जाकर भी वो सेम चीज़ें कर सकते हैं। ये पूरे सेम चीज़ें यहाँ पर भी है और उसके बाद में फिर से इस पे जाता हूँ। उसके बाद में आता दोस्तों एप आउटलाइन पेन, उसकी प्रॉपर्टीज है पूरा आउटलाइन पेन की। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता एक बार, उसका शॉर्टकट है F12। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ये डायलॉग बॉक्स में आउटलाइन की पूरी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कलर, आप यहाँ से जो कलर चाहिए वो आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन का जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से आउटलाइन का कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये कलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप आउटलाइन की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आउटलाइन कौन से यूनिट में दिखना आपको वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे को पिक्सल्स में चाहिए या पॉइंट्स में चाहिए यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम जनरली पॉइंट में रखते हैं उसको, तो यहाँ से पॉइंट में अपने को समझ में आता है कितना पॉइंट है आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद में आता स्टाइल, जो अभी ये आउटलाइन है दोस्तों वो एक सिंपल लाइनिंग बनी वाली है तो उसमें थोड़ा इफेक्टिव चाहिए उसमें कुछ, जैसा डॉट डॉट लाइन होगा तो वैसे अलग अलग स्टाइल चाहिए। तो ये यहाँ पर इतनी सारी डिफॉल्ट स्टाइल दी वाली है, इसमें से मैं जो स्टाइल सिलेक्शन करूँगा वो आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अभी अप्लाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर जब आप ओके करेंगे तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि ये स्टाइल में कुछ एडिट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ से और उसको रिप्लेस कर दिया तो जो मेरी ऑलरेडी स्टाइल है उस पर रिप्लेस हो जाएंगे, और ऐड कर लिया तो उसमें नई, जैसे मैंने ये ले लिया मैंने और उसको ऐड कर लिया तो उसमें ये मेरा एक और पॉइंट ऐड हो जाता, यहाँ पर एक स्टाइल और ऐड हो जाती मेरी, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग आप स्टाइल ले सकते, फिलहाल मैं ये वाली स्टाइल ले रहा हूँ। उसके बाद में ये कॉर्नर, अभी देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये कॉर्नर है वो एकदम स्क्वायर में कट टू कट है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले एक बार ओके कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये ऐसा इफेक्ट आ गया, तो मैं फिर से F12 कर देता हूँ। F12 से मेरा वापस वो डायलॉग बॉक्स आ गया और मैं वापस से नॉर्मल ये ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों यहाँ से मेरा एकदम कट टू कट स्क्वायर बने वाला, ठीक है। तो इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज उसको कॉर्नर थोड़ी स्मूथ वगैरह करने थे, यहाँ से जाना है और यहाँ से ये कॉर्नर स्मूथ कर सकते, ये यहाँ से ऐसा कर दिया, सो ओके करता हूँ। तो ये देखो ये कॉर्नर स्मूथ मिल जाएंगे आपको इसके आउटलाइन के। उसके बाद में दोस्तों फिर से मैं F12 कर दिया, यदि आपको कॉर्नर थोड़े बीवेल कॉर्नर चाहिए यानी कट्टे वाले थोड़ी साइड से तो ये ऐसा भी कर सकते, यहाँ से चार सौ मेरा आउटलाइन। एक तो दोस्तों शॉर्टकट F12 है, नहीं तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आउटलाइन का ये ऑप्शन आता आउटलाइन का, तो यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो भी वो अपना जो आउटलाइन का प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों लाइन कैप्स, यदि लाइन को ऐसा राउंड में चाहिए तो राउंड में हो जाएगा। अब इस पर अपलाइन होगा, मैं एक यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन ले लिया मैंने। अब इसको आउटलाइन को यहाँ से जाके डबल क्लिक किया मैंने, इसकी आउटलाइन थोड़ा बढ़ा देता मैं और उसको ओके कर देता। तो अभी देखो ये यहाँ पर ये ऐसा है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ और इसको राउंड कॉप्स कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता। ये देखो यहाँ से राउंड हो गया मेरा,
और इधर से भी मेरा राउंड होगा, तो ऐसा राउंड वगैरह कर सकते हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पर यदि मेरे को राउंड नहीं चाहिए सिर्फ, उसके आगे थोड़ा सा, अभी पहले कैसा था एकदम कट टू कट था, जहाँ पर ये मेरा पॉइंटर है वहाँ से कट हो जाता था। अभी थोड़ा बाहर निकला वाला है, मेरे को यस थोड़ा बाहर निकाल के चाहिए, वो क्या कहते थे यहाँ तक बाहर आ गया। तो ये अलग अलग तीन टाइप के हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर नीचे जो है, अब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेता, ठीक है, और इसकी यहाँ पर जाता और ये देखो ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो गया। अभी देखो ये यहाँ पर आउटसाइड पोजिशन, यानी मेरा जो ये फील कलर है, ये जो यहाँ से कॉर्नर जो है इसके अंदर नहीं चाहिए मेरे को आउटलाइन का इफेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर देना है। और अभी देखो मैं ये वाला और ये वाला ले लेता हूँ, तो ये देखो ये थोड़ा ये बाहर चला गया मेरा, यानी मेरा जो ये कॉर्नर था यहाँ से बार बार आ गया, ठीक है। उसमें के बाद में यदि मैंने ये किया तो दोनों साइड से आएंगी आउटलाइन, अंदर भी थोड़ा अंदर भी जाएंगे और बाहर से भी आएंगी, तो मैं ये कर लेता, तो ये देखो अंदर भी आई और बाहर भी आई, 50-50% हो गई। उसके बाद में सिर्फ मेरे को इनसाइड में चाहिए मेरे को आउटलाइन, तो इनसाइड कर लिया, तो ये पूरी इनसाइड में आ जाएंगी, जो ऐसा इनसाइड में पूरी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये तो आपको समझ गया होगा। उसके बाद में ये देखो ये यहाँ पर देखो बिहाइंड फील और स्केल विथ ऑब्जेक्ट। अब जब भी दोस्तों आउटलाइन देते हैं तो ये ऑप्शन एक्टिवेट कर देना है और उसको ओके कर देना है। और अभी मैं एक और सेम चीज़ को मैं इसको एक छोटा कर देता थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉपी और बना देता, सेम दोनों प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, और मैं यहाँ पर जाके इसको ये वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट कर देता, ठीक है। अभी देखो मैं दोनों को बड़ा कर रहा है, तो ये देखो ये आपको फर्क समझ में आ जाएगा। यदि अपन ने वो स्केल विथ बिहाइंड फील और स्केल विथ ऑब्जेक्ट किया होता तो जो मेरी अभी जैसा मेरा आउटलाइन 61 है, तो वो आउटलाइन उसके हिसाब से जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ेंगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। और इसका देखो अभी ये इसका कम हो गया, 12x12 रह गया, यदि मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया बट वो साइज आउटलाइन की साइज जो साइज थी वो उतनी उतनी रह गई, तो ये हमेशा एक्टिवेट रखना है। तो फिर अभी मैं इसको छोटा करूँगा तो मेरी उतनी उतनी साइज रहेंगी, देखो बड़ा करो चाहे छोटा करो मेरे को उतनी आउटलाइन की साइज उतनी मिलेंगी। उसके बाद में आता दोस्तों यहाँ पर आउटलाइंस में एरोज। अभी देखो ये एरोज जो है वो आप यहाँ से इतने टाइप के एरोज है, यहाँ से उसको अलग अलग आप इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला इफेक्ट चाहिए, मैं इसको करता और ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट कर देता और ओके कर देता, ये देखो यहाँ पर ये वाला बन गया। तो ये दोस्तों ये जो वाला इफेक्ट है वो सिर्फ लाइनिंग को ही होगा इफेक्ट, ये ऐसा रेक्टेंगल वगैरह को वो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। यदि रेक्टेंगल को अप्लाई करना है तो उसको लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से जाता और ये साइड से मेरे कुछ और एरो चाहिए, सपोज ये वाला एरो चाहिए तो मैं इसको ओके कर देता, ये वाला एरो मिल गया मेरे को। यदि ये पीछे की साइड से वापस चेंज करना था, बार बार वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते डायरेक्ट, ये वाला एरो ले लेता ये देखो, तो ये ऐसे अलग अलग बना सकते उसमें, ये यहाँ से आउटलाइन वगैरह इसको बढ़ा सकते कम कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता, नहीं तो यहाँ पर डबल क्लिक करके जाना और यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नन कर दिया तो यहाँ पर नन आ जाएगा, यहाँ पर शार्प कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, इधर से ये किया इधर से ये किया। न्यू चाहिए तो नया कुछ आपको बनाना है यहाँ पर एरोज वगैरह, तो आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं, यहाँ से पोजीशन वगैरह लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कम किया तो ये देखो ये विड्थ वगैरह कम हो गई, ये देखो यहाँ से उसको ये भी कम कर दे साइज, तो भाई लेंथ कम हो जाएंगी, लेंथ बढ़ा भी सकते यहाँ से, ये देखो यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मिरर करना उल्टा करना तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखो एक्स और वाई की पोजीशन पूरी चेंज कर सकते हैं, तो जैसा चाहिए अपने को वैसा चाहिए कर सकते हैं। उसको नया नाम दे दिया तो यहाँ पर नया नाम भी ऐड हो जाता, तो ये यहाँ पर एक पॉइंटर नया ऐड हो गया, ये यहाँ पर पीछे नीचे,
तो आप जो चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शेयर विथ एम्बिशन जो ऐसा आ जाता उसमें, ठीक है। ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज थी। अब इसको एंगल वगैरह कुछ चेंज करना था, यहाँ से एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये एंगल चेंज हो गया, अब इसका एंगल चेंज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर गए, यहाँ पर एंगल चेंज करते हैं। ये आउटलाइन का एंगल पूरा चेंज हो जाएंगे, यहाँ से पतली हो गई, यहाँ से पतली हो गई, यहाँ से मोटी और यहाँ से मोटी। तो यहाँ से हम एंगल चेंज कर सकते, जैसा एंगल चाहिए वैसा एंगल आप यूज़ कर सकते, या फिर आपको जैसा चाहिए वैसा करना था डिफॉल्ट कर देंगे और जैसी थी वैसी आ जाएंगी। तो दोस्तों आप आउटलाइन एक तो यहाँ से जाके ये आउटलाइन का जो मेन्यू है टूल है, यहाँ से आप आउटलाइन दे सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से दे सकते हैं। और अभी देखो कलर फिल करने आउटलाइन की कलर के लिए शॉर्टकट बता देता मैं। अब जैसे मेरे को आउटलाइन की कलर चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ पर कलर्स पर जाना है और आपको राइट क्लिक करना है माउस से, तो जो कलर चाहिए आपको वो कलर अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, देखो डायरेक्टली सीधा सीधा। यदि आपको कुछ कस्टम कलर चाहिए, ये इतने कलर्स में से नहीं चाहिए, कुछ अलग कस्टम कलर चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से जाके आप जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जाना है और ये इसमें ये आउटलाइन कलर्स बोल के ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए वो कलर आप चूज करके वो कर सकते, सेम चीज़ है दोनों साइड से, आपको जो चाहिए इजी लगे वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ फिल कलर्स के बारे में, कि ऑब्जेक्ट में कलर्स कैसे फिल किए जाते हैं और कैसे उसको एक से ज़्यादा कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरा मैं बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।